एवरीवन, दिस इज एबिगेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जिस दिन का हम लोगों को इंतजार था, दैट डे हैज फाइनली अराइव्ड। कृष्णा हैज फाइनली ड्रॉप हिज ईपी फार फ्रॉम ओवर। आई थॉट कि कृष्णा कोई सिंगल लेके आने वाले हैं, बट ही सरप्राइज्ड अस ऑल। एंड क्या ही फारू ईपी डाला है। ये वाला जो ईपी कृष्णा ने डाला है, ये बहुत ही अलग है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आई हैव नेवर सीन कृष्णा डूइंग सच काइंड ऑफ स्टाइल। इस ईपी में नॉट ओनली ही हैज शोन हिज लिरिकल साइड, but he adopted some new styles, new sounds, new variation, and he has shown his versatility in this EP. Now I know ki wo 6 mahine ke liye kaha gayab ho gaye the. Agar aap 6 mahine le rahe ho and aisa kuch drop kar rahe ho, then the wait is worth it. I mean, jin logon ne bhi bola tha that Krishna is not versatile at all, un logon ke muh pe ye bahut bada tamasha hai. Jab maine Khatav Flow ka breakdown kiya tha, tab maine bhi yahi bola tha that I really need Krishna to do something new, but I take back my words now. Because he has finally proved it that he can be versatile for sure. अभी तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। And you guys made me crazy for it. Like कल से जब से कृष्णा ने ये EP ड्रॉप किया है, मुझे कमेंट्स पे कमेंट्स, मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे कि दी ब्रेकडाउन चाहिए, रिव्यू चाहिए, रिएक्शन चाहिए। So here is it. आज मैं करने वाली हूँ कृष्णा के EP Far From Over का रिव्यू। ब्रेकडाउन वीडियो भी आने वाला है, वो भी एक एक सॉन्ग का ब्रेकडाउन में अलग अलग से डालूंगी। एंड मुझे थोड़ा टाइम चाहिए यार ब्रेकडाउन करने के लिए, बट ब्रेकडाउन जब आएगा तब तो आएगा। लेकिन आज इस वीडियो में मैं ईपी के बारे में बताने वाली हूँ कि मुझे ये ईपी कैसा लगा, एंड आई विल डू द रिव्यू ऑफ इट। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट सॉन्ग फ्रॉम द ईपी इज स्टिल स्टैंडिंग। इस गाने की इंट्रो होती है इस गाने के हुक से, एंड बहुत ही कैची हुक है। मतलब एक बार अगर आप सुनोगे तो आपके जहन में वो हुक बस जाएगा। इन दिस सॉन्ग कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट कि कैसे उन्होंने बहुत से स्ट्रगल्स को ओवरकम करके आज वो उस मुकाम पे पहुंचे हैं जहाँ पे उनको हमेशा से होने की चाहत थी। लेकिन फिर भी उनको कभी कभी हेट मिलता है, उनके हेटर्स हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि कैसे वो उनको नीचा दिखा पाए एंड कैसे वो उनको ट्रिगर कर पाए। बट स्टिल आफ्टर ऑल दिस स्ट्रगल ही इज स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। अंधेरा था छाया फिर दिखी है रोशनी। पहले बात करते हैं इस गाने के बीट के बारे में। इस ईपी का होल प्रोडक्शन बर्ग ने किया है, एंड ही डिड अ ब्रिलियंट जॉब। जब ये गाना पहली बार हिट किया था, आई डबल चेक दिट कि क्या ये सच में कृष्णा का गाना है, बट इट वॉज हिम एंड ही किल्ड इट। मतलब बहुत ही सही। आई वोंट टॉक अबाउट कृष्णास लिरिकलिटी हियर, क्योंकि हम सभी को पता है दैट ही इज अ लिरिकल जेम, बट उनका जो डिलीवरी था इस गाने में माइंड ब्लोइंग इट। जैसे वो एक के बाद एक फ्लो स्विच कर रहे थे, जैसे वो वेरिएशन ला रहे थे हर मोमेंट में, भाई सुन के मजा ही आ गया। सो आई एम गोना रेट दिस सॉन्ग 4.5 out of 5। सो द नेक्स्ट सॉन्ग फ्रॉम द ईपी इज प्रार्थना। एंड इसका पोस्टर कृष्णा ने बहुत पहले ही रिलीज कर दिया था, एंड वी थॉट कि कृष्णा इसी गाने का सिंगल लाने वाले हैं, बट उन्होंने तो एक ईपी ही ड्रॉप कर दिया। जैसे ये गाना हिट करता है, मुझे 90s वाइब याद आ जाता है। मतलब 90s के जो मूवीज होते हैं बॉलीवुड के, उनका एक अलग ही BGM होता था, वही कुछ इस गाने में भी दिया गया है। मतलब इट वॉज साउंडिंग सो ब्रिलियंट, सो कैची, दैट वो चीज आप एक बार सुनने से ही आपके दिमाग में वो बस जाएगा। तो इन दिस सॉन्ग ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज ऑप्स, कि कैसे उसके ऑप्स उनके अगेंस्ट हमेशा खड़े रहते हैं, एंड कैसे वो कृष्णा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। The thing which Krishna generally does. The most interesting thing which I liked about this song is Krishna जो बीच बीच में chopper flow use कर रहे थे, आप अपने head bang करना छोड़ोगे ही नहीं इस गाने में। पूरे गाने में you will just keep on banging your head. बड़ी challenge भी करे तो finally मरे, ये बातों से ना सहमति रखे, calamity लगे ये जहर है तो। And obviously इस गाने में भी बहुत से references हैं जिसका breakdown मैं obviously लाने वाली हूँ। मुझे थोड़ा सा time और दे दो, but for now just enjoy this song. I mean brilliant delivery, brilliant beat. And क्या ही बोलो, mix master everything was top notch. So I'm gonna rate this song a 5 out of 5. मुझे personally बहुत ज़्यादा पसंद आया ये गाना, मतलब बहुत ही ज़्यादा unique था ये वाला गाना. So the next song from the EP is Wanna Know. Oh they wanna know, guess I like it when I'm riding the cool. This song is gonna give you an exotic touch, थोड़ा सा R&B vibe मिलेगा आपको, बहुत ही vibey track है. Krishna is talking about his story, how is he leading his life, flex bars है, कैसे वो deals पे deals crack कर रहे हैं. That is what it's all about in this song. Krishna की delivery भी यहाँ पे बहुत सही थी, beat भी बहुत प्यारी है, थोड़ी सी melodic touch है, like something which I have never seen Krishna doing it. So I'm gonna rate this song a 4 out of 5. So the next song from the EP is Hola Amigo featuring Seedhe Mauth and Umair. Hola Amigo, कैसे हो, ठीक भाई, बहुत ही सेट है आप। This song is
वेरी वेरी बम्पी लाइक टिपिकल कृष्णा सीधे मौत गाना अगर आप सुनना चाहोगे देन दिस सॉन्ग इज द वन फॉर यू. प्रूडे सॉन्ग में आप लोग शायद जंप ही करते रहोगे. नॉट ओनली कृष्णा स्लेड इन दिस सॉन्ग इवन सीधे मौत एंड उमेर डे. द बीट ऑफ दिस सॉन्ग जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये गाना बहुत ज्यादा ही बम्पी टाइप ट्रैक है, मतलब आप लोग अपने हेड को बैंग करते ही रहोगे. एंड कृष्णा का जो चॉपर फ्लो है इस गाने में, उनकी जो डिलीवरी है जस्ट माइंड ब्लोइंग. शुद्धिकरण, बाप के पैसे नहीं खाता तो कैसा सवाल है, मैं कैसे कमाता, मैं लाश बिछाता ये कहने में. Song a 4.5 out of 5. So the next and the last song from the EP is Some of Us featuring A.R. Parsley. Key, they love the attention. Always keep a switchblade so I could cut the tension. So is gonna make international feature hai and this is kind of an conscious rap. आप जब अपने बुरे वक्त से गुजरते हो, आप क्या feel करते हो, उसी के बारे में है ये गाना. मतलब मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि कृष्णा अभी जिस मुकाम पे है, उस मुकाम पे पहुंचने के लिए उनको भी बहुत सालों की मेहनत एंड बहुत से ऐसे फेजेस उन्होंने देखे होंगे जो कि बहुत ज्यादा ही डार्क है. तो ये गाना उसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है. आई मीन कृष्णा को भी याद आते हैं वो पुराने दिन जब वो इस टफ टाइम से गुजर रहे थे. द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस सॉन्ग इज अगर आप लोगों ने नोटिस किया है जो ओला अमी को लास्ट सॉन्ग था एंड जब इस सॉन्ग में स्विच होता है जो ट्रांजिशन आता है दैट इज माइंड ब्लोइंग. मैंने इंडिया में आई डोंट थिंक मैंने इससे किसी को देखा है करते हुए. फॉरेन में ऑब्वियसली किया है लोगों ने. जब एआर का वर्स चालू रहता है एंड कृष्णा का वर्स आता है सडनली एक स्विच जो आता है बीट पे वो भी बहुत सही था. Everybody say they love you, most are just pretending. कितनी बातें दबी मन में आज. So I'm gonna rate this song a 4 out of 5. So overall 22 out of 25. बहुत ही फारू ईपी है. कृष्णा ने लिटरली ये प्रूव कर दिया है दैट यू कैन कॉल हिम कि वो वर्सेटाइल नहीं है. वो लिरिकली स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वो बहुत ज्यादा वेरिएशन भी ट्राई कर सकते हैं एंड ही कैन बी वर्सेटाइल. आई जस्ट लिटरली होप कि कृष्णा फिर से गायब ना हो जाए, वो और प्रोजेक्ट लाते रहे ऐसे ही. एनीवेज अगर उन्होंने ब्रेक भी लिया एंड ऐसा कुछ प्रोजेक्ट वो फिर से डालते हैं देन द वेट विल बी वर्थ इट. सो गाइस हियर वाज माय रिव्यू. सो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को ये ईपी कैसा लगा एंड कौन सा आपका फेवरेट ट्रैक है इस ईपी से. एंड इस ईपी से मैं कुछ गानों का ब्रेक डाउन भी बहुत जल्द लाने वाली हूँ. तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वो ब्रेकडाउन भी देखने हैं. एंड इवन मैंने एक स्पेशल Q&A भी रखा है अपने सब्सक्राइबर्स के लिए. सो आप लोग जो भी क्वेश्चंस मुझसे पूछना चाहते हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो या फिर कम्युनिटी पोस्ट मैंने एक क्रिएट किया है वहां पे भी जाके आप कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम में जाके भी आप मुझसे पूछ सकते हो. मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा. यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर देयर एंड वहां पे भी मैं हिप हॉप रिलेटेड कंटेंट डालती रहती हूँ. ऑलराइट गाइस, आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.